क्या आपने सुना था BGMI का ऑफिशियल रिटर्न आने वाला है? क्राफ्टन की तरफ से एक प्रेस रिलीज हुआ है, उन्होंने उसमें क्या बोला है आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके बाद हम आपको कुछ फ्री फायर के टूर्नामेंट्स के रिजल्ट्स बताने वाले हैं एंड उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं इंडियन टीम्स की क्या परफॉर्मेंस चल रही है SEA चैंपियनशिप में एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग बात करने वाले हैं PMGC ग्रैंड फाइनल्स के अपडेट्स के बारे में। ऑल इन ऑल इन दिस एपिसोड ऑफ गुड गेम न्यूज़ बाय स्पोर्ट्स कीड़ा, मैं हूं टेकिला, लेट्स बिगिन द एक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले आपको आपके मतलब की बात बताने वाला हूं मैं। देखिए, हम लोगों के पास बहुत सारी ढेर सारी न्यूज आती है बट हाँ, सिर्फ कुछ ही चुनी हुई न्यूज हमारे पास यहाँ पे इन एपिसोड्स में आती है जो कि काफी ज्यादा मायने रखती है। सो अगर आप लोग वो वाली भी सारी न्यूज जानना चाहते हैं जो कि इस एपिसोड तक नहीं पहुंचती है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस जॉइन आवर डिस्कॉर्ड। हम लोग हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे वो सारी न्यूज भी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। बट मीनवाइल अभी चलते हैं हम जल्दी से वीडियो की ओर एंड पहले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि होने वाला है PMGC का ग्रुप रेड का रिजल्ट। यहाँ पे लीग स्टेज ऑफ ग्रुप रेड यहाँ पे खत्म हो चुका है एंड जो टॉप 3 टीम्स ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो गई हैं, उनका नाम है ब्यूरिम यूनाइटेड, इन्फ्लुएंस केमिन, S2GE स्पोर्ट्स और आखिरी 5 टीमें हो चुकी हैं एलिमिनेट। और जो बाकी की 8 टीम्स हैं वो खेलने वाली है सर्वाइवल स्टेज जो कि शुरू होने वाला है 30th November से। अब देखिए, इंडियन टीम्स को तो हम लोग जरूर मिस कर रहे हैं बट जितनी भी टीम्स खेल रही हैं उनमें आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सिंपल की जो कि नेटिव स्पिनर से खेलते हैं एंड वो यहाँ पर जीत चुके हैं प्लेयर ऑफ द डेकेड का अवार्ड। जी हाँ, ESL ने यहाँ पर नेटिव स्पिनर के CSGO सुपरस्टार सिंपल को प्लेयर ऑफ द डेकेड 2012-2022 अनाउंस कर दिया है। अब अगर आपको सिंपल के बारे में नहीं पता तो आपको बताना चाहूंगा 2013 से सिंपल प्रोफेशनल CSGO खेल रहे हैं और तब से लेकर अब तक नावी के लिए ही खेल रहे हैं और नावी को उन्होंने काफी STL चैंपियनशिप भी जिताई है और साथ ही साथ यहाँ पर अगर नावी को उनकी पहली मेजर ट्रॉफी जो कि PGL स्टॉकहोम थी नवंबर 2021 में, ब्लास्ट प्रीमियर वर्ल्ड फाइनल 2021 में, IEM कैटोवाइस इन मार्च 2022 एंड द लिस्ट goes on, ये सारी की सारी ट्रॉफीज नावी ने जीती हैं एंड इट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द टीम बट मेजरली सिंपल। तो सिंपल, यू डेफिनेटली डिजर्व द प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड। अगले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ओपेरा एक्स प्लेबैक के रिजल्ट्स के बारे में एंड वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स यहाँ पे ओपेरा एक्स प्लेबैक को जीत चुके हैं विद फ्लाइंग कलर्स। सेकंड पोजीशन की बात करें तो द वर्ल्ड ऑफ बैटल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, माफियाज यहाँ पे आए हैं थर्ड पोजीशन पर। अब देखिए, ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स का रिटर्न तो यहाँ पे हुआ है एंड दैट टू विद अ बैंग। देखिए, द वर्ल्ड ऑफ बैटल्स काफी ज्यादा हमारे एपिसोड्स में छाए हुए थे जहां पे मेरा गला फट गया था लिटरली बोलते बोलते दैट द वर्ल्ड ऑफ बैटल्स ये टूर्नामेंट जीत गई, ये टूर्नामेंट जीत गई, ये टूर्नामेंट जीत गई और माफियाज के बारे में तो हम सबको पता ही है बट लिटरली इन दोनों टीम्स को पछाड़ के टीम ब्लाइंड जीती हुई दिखाई दे रही है पेरेक्स पे बैक। दैट रियली इज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। आपको क्या लगता है इस परफॉर्मेंस के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। अगले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ईस्पोर्ट्स वाला के बारे में जिन्होंने अपनी एंट्री ले ली है मीना रीजन में। जी हाँ, ईस्पोर्ट्स वाला पहली एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जो कि अपने फ्री फायर ईस्पोर्ट्स को एक्सपैंड कर चुकी है बाकी रीजन्स में। उन्होंने अभी अभी शिफ्ट ईस्पोर्ट्स को एक्वायर किया है और अगर आपको शिफ्ट ईस्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता तो शिफ्ट ईस्पोर्ट्स एक वेटरन टीम है जो कि मीना रीजन में खेलती रही है और उन्होंने थर्ड पोजीशन गैदर करी थी यहाँ पे फ्री फायर अरब लीग सीजन 6 में और साथ ही साथ फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज का खिताब सिर्फ 1 पॉइंट से मिस कर दिया था। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करते हुए एक मीना रीजन की टीम को, देखते हैं दैट ये मिक्सचर कैसा काम करने वाला है इन द फ्यूचर। बट ईस्पोर्ट्स वाला, वी विश यू द लक। अगले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं विद ऑल दी मोबा फैंस एंड पर्टिकुलरली द पीपल हु लव पोकेमॉन यूनाइट बिकॉज पोकेमॉन यूनाइट इंडिया ओपन का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है ये तो आपको पता चल ही गया है बट हाँ, आपको मैं अगर इवेंट का प्राइस पूल बताऊं तो इट इज अ टोटल ऑफ 22.5 लाख रुपीज एंड अब यहाँ पर सारे के सारे इंडियन रेजिडेंट्स के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है। तो हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप लोग जा सकते हो एंड यू कैन शोकेस योर पोके पावर। And now comes the most anticipated topic of the evening. That is Krafton की तरफ से press release आ चुकी है. You know, we've been waiting. कब यहाँ पे हमें पता चलेगा? मैंने 3 इंटरव्यूज भी लिए हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स कीड़ा के अंडर एंड वो भी बड़ी बड़ी चहितियों के साथ एंड उन सबसे भी मैंने इनडायरेक्टली पूछा था दैट क्या आपको पता है दैट पबजी कब वापस आने वाली है, क्या आपको पता है दैट BGMI वापस कब आने वाली है। कुछ तो इंटरनल न्यूज होगी बट हर एक बंदे ने डिनाई कर दिया दैट टकीला लिटरली अंदर से कुछ नहीं पता है। बट नाउ इज द टाइम दैट द फ्लड गेट्स आर ओपन एंड हमें यहाँ पे क्राफ्टन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, यहाँ पर क्राफ्टन ने तो ये बोला ही है दैट वो अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने सर्विसेज रिज्यूम करने के BGMI में एंड
वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना कंटिन्यू करते रहेंगे, विच डेफिनेटली इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर ऑल द पीपल जो यहाँ पे बीजीएमआई के बहुत सॉलिड प्लेयर्स भी थे और फैंस भी थे। इसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम और भी है दैट अभी तक क्राफ्टन ने कोई डेट नहीं बताई है दैट क्या कोई पर्टिकुलर डेडलाइन है, कोई डेट है जब हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट बीजीएमआई इज कमिंग बैक। बट हाँ, यश भानुशाली ने भी थोड़ी देर पहले बताया था दैट बीजीएमआई वापस आने वाली है, फ्री फायर भी वापस आने वाली है, बट सैडली इट इज नॉट गोइंग टू बी इन 2022। बट हाँ ठीक है, देर आए दरुस्त है, 2022 नहीं तो 2023 सही। बट यस, आप लोगों के क्या ख्याल है इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। अगले टॉपिक में हम बात करने वाले SEA चैंपियनशिप में इंडियन टीम्स की परफॉर्मेंस के बारे में। अब यहाँ पे स्काई स्पोर्ट्स ने अनाउंस किया था टोटल 4 इंडियन टीम्स होने वाली है जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं SEA चैंपियनशिप में, जो कि है VLT, गॉड स्क्वाड, एनिग्मा एंड रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स। और इनमें से टोटल टॉप 2 टीम्स आगे जाने वाली हैं थाईलैंड, जस्ट टू इलिमिनेट द पिंग डिफरेंस, यानी कि वो कुछ पिंग पॉइंट्स की वजह से जहाँ पे गेम लूज करी जा सकती है, एक एडवांटेज दिया जा सकता है अपने ओपोनेंट को, उसको भी कवर अप करने के लिए 2 इंडियन टीम्स जो कि टॉप पे आने वाली हैं 4 टीम्स में, वो जाने वाली हैं थाईलैंड। और अगर हम मैचेस की बात करें तो वेलोसिटी गेमिंग और एनिग्मा गेमिंग के बीच में जो भिड़ंत हुई है उसमें 2-1 से वेलोसिटी गेमिंग ने हरा दिया है एनिग्मा गेमिंग को, और गॉड स्क्वाड यानी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का जो यहाँ पे स्क्वाड खेल रहा है उसका और जो VLT का मैच हुआ है दैट इज द वर्ल्ड क्लासिको, वहां पर गॉड स्क्वाड ने VLT को हरा दिया है 2-1 से। सो दैट इज अ ग्रेट विक्ट्री इंडीड। बट हाँ, अब देखना पड़ेगा दैट आगे जाके क्या होने वाला है। अगले और आज के आखिरी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अबाउट रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स और उनके नए खिलाड़ियों के बारे में। यहाँ रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स ने साइन कर लिया है 2 नए प्लेयर्स को इन देयर वैलोरेंट रोस्टर, दैट इज गोइंग टू बी चिंग एंड जोश। अब आप लोग बताइए दैट क्या लगता है दैट ये नई साइनिंग कितना ज्यादा वजन डालने वाली है टीम रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के वैलोरेंट रोस्टर में। वी आर डेफिनेटली ऑल इयर्स इन द कमेंट सेक्शन विद आवर आईज। यस, डेफिनेटली वी आर लुकिंग अप फॉर योर कमेंट्स। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस लाइक दिस वीडियो, बिकॉज हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक काउंट से। एंड इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू गेटिंग दीज अपडेट्स अबाउट द इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाल बटन को दबा के ग्रे कर दीजिए, एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे ऑल एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल्स को ऑल पे शिफ्ट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिल जाए एंड यू स्टे अपडेटेड। दिस इज शकीला साइनिंग ऑफ फॉर दिस एपिसोड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।